unboxing of my car. This is my first product I review. You know that Maybelline. What its name is? क्या नाम था? Master Brushes Maybelline. आपको तो पता ही है ये बहुत बहुत अच्छा है एंड ईजी टू यूज़ है. मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया. आई यूज्ड ओनली माई फिंगर एंड लेट्स ट्राई. देखते हैं कैसा है. इसके ब्रशेस तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है. लुक एट दिस. ये फ्री आया था मेरे को Maybelline के. मैंने लिपस्टिक लिए थे उसके साथ, मुझे फ्री मिला था. बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है गाइज. आप देखना, आपको ट्राई करना है करो. एंड Maybelline ने ऑफ किया. प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ओरिजिनल केयर लिप बाम. यू नो दैट लिप जो लिप टिंटेड होते हैं ना, वो हमारे लिप्स को है ना ब्लैक आउट कर देते हैं. मेरे तो कर देते हैं, आपका पता नहीं, बट हो सकता है आपकी भी कर दें. लेकिन आप लिया करो तो प्लीज़ सिंपल लिया करो, ट्रांसपेरेंट लिया करो. इसमें कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है. एंड मैं आपको अभी दिखाती हूँ. लुक एट दिस, इट्स रियली ट्रांसपेरेंट. या नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आता है पॉन्ड्स का गोल्ड ब्यूटी. मुझे पॉन्ड्स के ऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं. पॉन्ड्स का जो वाइट ब्यूटी का भी फेस वॉश है वो भी बहुत अच्छा है. इसको मैंने फर्स्ट टाइम लिया है. मैंने अब यूज़ करके बताऊँगी कैसा है, बट आई एम श्योर ये बहुत अच्छा होगा. मुझे जेल वाले फेस वॉश बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे फोमिंग वाले फेस वॉश बहुत अच्छे लगते हैं. आप इसका फेस शॉप का भी यूज़ कर सकते हैं, बट फेस वॉश शॉप का थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, बट काम उसी की तरह करता है ये पॉन्ड्स का. ओके, देखते हैं ये कैसा है. टडा. नेक्स्ट इज माई फेवरेट लिप बाम. आई लव लिप बाम. मैं इसको उतना डे टाइम पर यूज़ करती हूँ और नाइट टाइम पर बिल्कुल यूज़ नहीं करती. ट्रांसपेरेंट वाली और निविया वाली यूज़ करती हूँ. आपको भी वही करना चाहिए. नाइट टाइम पर टिंटेड लिप बाम को इग्नोर ही करें, सिंपल ही लो आप. ये भी अमेजिंग है. डे टाइम पर आप यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज पे, स्कूल में आप यूज़ कर सकते हैं इसको आराम से. नेक्स्ट इज इंटेंसिव काजल स्मच मिस्ट. मैंने इसको फर्स्ट टाइम परचेज किया है. देखते हैं इसका कैसा है, बट आपको यूज़ करके जब भी बता पाऊँगी भाई कैसा है. बट शुगर का अच्छा है रिव्यू, मैंने इसके बहुत देखा है यूट्यूब पर, बहुत अच्छा बताते हैं इसको. स्मच प्रूफ है. आई होप ये मेरे लिए भी वर्क करे. ओके, नेक्स्ट इज या के ब्यूटी. के ब्यूटी का ओपन करके बताते हैं. दिस इज़ ये मेरे किसी कलीग्स ने लिया था, तो मैंने उससे पूछा था कि ये आपको कैसा है, बट उसने बहुत अच्छा बताया था. ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है, आई शेडो की तरह भी काम करता है. आई लाइनर है, आई थॉट आई शेडो या आई शेडो स्टिक है. आई लाइनर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको. एंड ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको. ये 6 प्रोडक्ट में आते हैं. वन इज़ क्लेंजिंग. आई होप हाँ, दिस इज़ अ क्लेंजिंग, दिस इज़ अ स्क्रब एंड दिस इज़ नरिशिंग क्रीम एंड मसाज क्रीम, फेस मास्क एंड फिनिशिंग क्रीम. या फिनिशिंग क्रीम ये आपको, या दिस इज आपको ये मिलते हैं 250. आई थॉट या 300 है, बट मुझे 250 में मिला हुआ है. ये सेल चल रही थी इसलिए. ये भी बहुत अच्छा है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप DIY कर सकते हैं. आई लव DIY यूजिंग, बट ये मुझे पॉन्ड्स के, यू नो दैट मैंने पहले भी बताया था, पॉन्ड्स के प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये मंगाया मैं एंड माय हस्बैंड के लिए. ये एंड या मुझे Maybelline के साथ या ये दोनों चीज़ें फ्री मिली. 128 का फिट मी का एंड 310 ये फ्री मिला. जब मुझे सेल चल रही थी तब मैंने मिला. आई होप आप चेकआउट कर लीजिएगा, शायद फ्री चल रहा हो, बट ये दोनों शेड मिले मुझे. एंड या मुझे ये के ब्यूटी की तरफ से क्या मिला, ये है पेंसिल है. या दिस इज़ पेंसिल. ये पेपर ये इको फ्रेंडली पेंसिल है.
हैंडीक्राफ्ट है, इको फ्रेंडली पेंसिल है दैट आर मेड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से बनी हुई ये पेंसिल है। दिस इज़ अ रिप्रेजेंट द स्टोरी डेट ईच वूमेन हैज टेल। ऑब्वियसली यार इको फ्रेंडली है तो अच्छी पेंसिल है और होनी भी चाहिए इको फ्रेंडली पेंसिल, वी नो दैट आवर इन्वायरमेंट कंडीशन। सो हेयर इज पेंसिल। ओके नेक्स्ट इज वॉट, That's all guys, bye!